हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माया क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आप लोग कहीं हूँ, वो बहुत ही उपयोगी वीडियो है और प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जो भी हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वह अधूरी रह जाएंगी। तो ये जो है दोस्तों, आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कंपोस्ट, और किस तरह से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट जो है अपने घर में तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा हमारा, और वो बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट बनकर तैयार होगी, और वो भी हमारे घर पर ही, और वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द। और यकीन मानिए दोस्तों, वो जो कंपोस्ट हमारी तैयार होगी वो हमारे सभी प्लांट्स के लिए, चाहे वो फ्रूट्स के हों, फल के हों, कोई भी प्लांट्स हों, उनके लिए वो बहुत उपयोगी, बहुत ही बेस्ट कंपोस्ट होगी जो हम इस तरह से तैयार करते हैं अपने घरों में। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं वो मैंने लिए हुए हैं, और इसमें सभी तरीके के छिलके आप ले सकते हैं, चाहे आप टमाटर के छिलके हों, चाहे आप आलू के छिलके ले लीजिए, प्याज के, मटर के, गोभी के जो डंठल होता है उसको लेना है तो उसको आप, क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कट कर लेंगे, बारीक बना लेंगे, तो बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी, और वो भी बहुत ही जल्दी। तो सब्जी जो है, अगर आप कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा महीन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें आप सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो नहीं डालना है फ्रेंड, वो है जैसे कि कुछ लोग नॉनवेज वगैरह अगर लेते हैं तो इसमें प्लीज़ नॉनवेज वगैरह आप मत डालिएगा, कोई उबली हुई चीज़ आप मत डालिएगा, और बस यही सिर्फ आप अंडे के छिलके वगैरह जो भी हैं उनका उपयोग कर सकते हैं इसमें। और ये हमने मिट्टी ली हुई है, ये भी मैंने छिलके लिए हैं, तोरई वगैरह के छिलके हैं, ये मैंने गुड़ का पानी लिया हुआ है, और ये है जो गोबर की खाद होती है वो है बिल्कुल सड़ी हुई खाद है ये, और ये छिलके, ये है पत्ते वगैरह जो हम जब अपने गार्डन की सफाई करते हैं तो बहुत से पत्ते वगैरह जो निकलते हैं ये वही पत्ते हैं, डंडियां वगैरह हैं, और वो है कुछ कागज़ के टुकड़े, और ये जो है घास वगैरह जो हम, कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें उग जाती है, तो ये मैंने उसका भी उपयोग कर रही हूँ इसमें मैं। अच्छा, और मैंने इसमें थोड़ा सा एलोवेरा वगैरह भी डाल लिया है क्योंकि बहुत अधिक हो रहा था, तो कुछ कुछ मैंने एक दो डंडे जो हैं उसके एलोवेरा के भी इसमें डाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने सीमेंट का पॉट लिया है दोस्तों, आप जो है कोई भी पॉट ले सकते हैं, चाहे आप मिट्टी का गमला ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, बस लोहे की बाल्टी वगैरह का उपयोग ना करें। तो मैंने सीमेंट का पॉट लिया हुआ है, और इसके नीचे ये देखिए, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मिट्टी का ही है तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके नीचे रख दिया है ताकि अगर इसमें से जो थोड़ा बहुत लिक्विड हमारा निकलता रहता है वो इसमें इकट्ठा हो जाए, और उसको भी मैं, उसका भी उपयोग कर सकूं अपने पेड़ों में। वो एक बेहतरीन फर्टिलाइजर होगा जिसमें को मैं पानी में मिक्स करके अपने पेड़ों में दे दूंगी, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रे सी है जो है मिट्टी की, ये मैंने लगा दी है इसमें, तो यहाँ से ये भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर इसमें तैयार हो जाएगा हमारे प्लांट्स के लिए, और हम उसमें सभी प्लांट्स में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, और ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही जल्दी तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं पहले ये थोड़ी सी जो घास वगैरह है फ्रेंड्स, ये मैं इसमें डाल देती हूँ जो है, ऐसे नीम के पत्ते हों, नीम की डंडियाँ हों, वो भी आप इसमें यूज़ करिए, बहुत बेहतरीन आपकी ये खाद जो है कंपोस्ट
बनकर तैयार होगी। और ये इसमें क्या है दोस्तों, जो भी हम सब्जी के छिलके वगैरह हम लेते हैं तो उसमें जो है आप जानते ही हैं कि जो भी हमारे सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं, ये जो है फ्रेंड्स ये देखिए, ये सारी डंडियां हैं और ये पत्ते हैं, ये कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है। इतना अच्छा स्रोत है कार्बन का कि आप बिलीव नहीं करेंगे। और जो इससे कंपोस्ट तैयार होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो ये पत्ते वगैरह हमारे गार्डन में निकलते रहते हैं, ये डंडियां वगैरह हैं, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए ये डंडियां जो है, पत्ते हैं, ये सब हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पहले एक लेयर जो पत्ते वगैरह थे, जो घास वगैरह हो जाती है, मैंने वो डाल दी है। दूसरा लेयर मैंने देखिए ये पत्ते वगैरह जो सूखे ड्राई पत्ते होते हैं वो डाल दिए, ताकि ये कार्बन बहुत अच्छा देंगे हमारे को, हमारे कंपोस्ट को। और ये मैंने कागज के टुकड़े हैं ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए ये कागज के टुकड़े छोटे छोटे पीस किए हैं मैंने इस तरह काट के, और ये हमने डाल दिए हैं। ये इसलिए डाले जा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर जो हमारे जो कंपोस्ट तैयार होती है उसमें जो लिक्विड वगैरह होता है उसको ये ड्राई करेगी काफी हद तक, ये क्योंकि सोख लेता है। जो भी हमारा न्यूज़पेपर भी आप इसमें डाल सकते हैं, और जो ये हमारे कार्टन वगैरह आते हैं पैकिंग वगैरह में आते हैं, वो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में। बस उसको आप उसके ऊपर प्लास्टिक की कुछ पन्नी वगैरह होती है वो आप नहीं डालिएगा, उसको आप निकाल दीजिएगा, बाकी उसको भी आप इसका यूज कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये हमने इस तरह से लेयर बना ली इसकी, कागज भी डाल दिया है हमने। अच्छा, इसमें आप अंडे की ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड, जो अंडे के आते हैं हमारे घर में उनकी ट्रे हमारे पास बच जाती है, उसको भी आप तोड़ तोड़ के जो है उसका भी उपयोग इसमें कर सकते हैं। और अब इसमें हम दो फ्रेंड्स क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं ये जो है ये सब्जी के छिलके हैं हमारे, तो इसमें मैंने सब कुछ डाला हुआ है। ये देखिए ये सारे हमारे सब्जी के छिलके हैं, और कुछ कुछ ये जो भुट्टा वगैरह हमारे घर में कॉर्न आता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए आप, एलोवेरा भी मैंने छोटा छोटा डाल दिया है इसमें। और अब हम डालते हैं इसमें एक मिट्टी की लेयर, ये देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी की लेयर हम डाल रहे हैं इसमें। एक मिट्टी जो है दोस्तों, आप जानते ही हैं मिट्टी के अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं, बहुत से पोषक तत्व हमारी इस मिट्टी में पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये जो मिट्टी है इसमें हम डालते हैं, तो इससे हमारा जो कंपोस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का तैयार होता है। ये देखिए मिट्टी की लेयर हमने डाल दी इसमें, ये देखिए एक मिट्टी की लेयर हमने ये डाल दी है, और एक लेयर में इसमें जो है ये गोबर की जो खाद है ना, ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं हल्का सा ये भी इसमें डाल रही हूँ, ये गोबर की खाद है ये देखिए। अब इसमें फिर हम एक छिलके के ये छिलके डाल देते हैं। ये छिलके मैंने फ्रेंड्स इसमें सब डाल दिए, ये आप देखिए। अब इसमें ये फिर से हम एक मिट्टी की लेयर डालेंगे। जब भी हम इसमें सब्जी डालें, सब्जी के छिलके जब हम डालते हैं, तो इसमें मिट्टी की लेयर हमें इस तरह जरूर डालनी है। ये मिट्टी की लेयर हमें इसमें इस तरह डालनी है, और ये मिट्टी की लेयर के साथ साथ ये मैं जो गोबर की खाद का कंपोस्ट है सड़ा हुआ बिल्कुल, वो भी हम इसमें एक एक बार जरूर डालेंगे। जब भी हम छिलके डालेंगे तो मिट्टी की लेयर भी डालेंगे और गोबर की खाद की भी लेयर हल्की सी ये हम डालेंगे, क्योंकि ये जो है गोबर की खाद है ये डीकंपोस्ट होने में
बहुत मदद करेगी। मतलब इससे जो प्रोसेस है हमारा डीकम्पोस्ट होने का वो बहुत ही फास्ट होगा, तो इसीलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं इसमें, और इसीलिए हम इसे डाल रहे हैं ताकि ये जो प्रक्रिया है वो काफी तेजी से स्टार्ट हो जाए। तो ये है, ये मैंने मिट्टी की लेयर इसमें डाल दी है, ये आप देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट हमारी तैयार होगी और कोई स्मेल नहीं आएगी फ्रेंड्स। इसको जब भी आप रखें तो इसको छाया में रख दीजिएगा आप। ये कंपोस्ट फ्रेंड्स छोटी सी छोटी जगह पे भी तैयार हो जाती है, बालकनी वगैरह में भी आप रख सकते हैं इसको, छोटे छोटे पॉट्स में बना के बना लीजिए आप, तो उसको भी रख सकते हैं। और धूप में ना ही रखें तो बेहतर होगा, छाया में रखें, और वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ छाया में आप रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये हमारी मिट्टी की लेयर भी इसमें डल गई है, और ये मैं इसमें, ये जो कंपोस्ट है ये मैं इसमें पूरा डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो है कंपोस्ट, इसमें जो ये खाद है ये इसको जल्दी बनाएगा और इसकी प्रक्रिया को फास्ट रखेगा। ये देखिए आप, ये देखिए, अब जो है ये देखिए, अभी मेरे कितना जगह इसमें खाली है, और जब अब मैं जैसे रोज अपना जो किचन का मेरा वेस्ट निकलेगा तो मैं उसमें डालती जाऊंगी इसके अंदर गमले में, और जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी, जब जब उसमें मैं डालूंगी तो फ्रेंड्स यही मिट्टी की लेयर और ये जो गोबर की खाद है सड़ी हुई, इसकी लेयर मैं जरूर डालूंगी उसके ऊपर, ताकि प्रक्रिया अच्छे से चालू रहे हमारी। तो ये चीज हमें चालू करती रहनी है, जैसे कि हम जब भी इसमें सब्जी डालेंगे तो वही प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। तो ये काफी बड़ा गमला है, तो इसको जो है मेरे को अभी टाइम लग जाएगा भरने में, बस मुझे यही प्रक्रिया इसमें चालू रखनी है। और लास्ट में दोस्तों ये हम डाल रहे हैं गुड़ का पानी, ठीक है, और क्योंकि गुड़ में भी दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम वगैरह बहुत, पोटाश वगैरह बहुत मात्रा में होता है इसमें, तो ये भी जो है इसको जल्दी बनाने की कोशिश करता है कंपोस्ट को डिकम्पोस्ट करने में। आप इसमें दही का पानी भी डाल सकते हैं, 2-3 दिन पुरानी दही अगर हो दोस्तों उसे पानी में घोल के आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं इसमें जो है दही का पानी डाल रही हूँ, ये देखिए आप, जब जब मैं इसमें डालूंगी तब तब मैं इसमें ये दही का पानी जो है, इसकी ये लेयर जो है दही के पानी की डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें जो है, सॉरी, गुड़ का पानी, आप दही का भी डाल सकते हैं, मैंने गुड़ का पानी डाला है। तो ये बहुत जल्दी हमारी 1 से 1.5 महीने, हो सकता है 1 महीना और 1.5 महीने के अंदर हमारी ये बेहतरीन कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छी कंपोस्ट बनेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी एक कंपोस्ट तैयार हो रही है, मैं दिखाती हूँ, अभी प्रोसेस में है वो, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको। और इसमें ये जो है इस तरीके की कोई जैसे चन्नी वगैरह हमारे घर में होती है या कुछ भी, आप किसी सूती कपड़े से इसको जो है चारों तरफ से बांध दीजिएगा, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के जो है कोई कीड़े वगैरह ना जाएं और वो अपने अंडे वगैरह इसमें ना दें। तो बस ये जरूर आपको करना है लास्ट का काम, कि आप इसे सूती कपड़ा हो या चुन्नी वगैरह होती है हमारी, उससे आप इसको कवर कर दीजिएगा और इस तरह से ढक दीजिएगा। तो ये जो है इस तरीके से हम जैसे कोई चन्नी वगैरह का, जिससे ये है हवा भी इसमें पास होती रहेगी, ये देखिए आप, क्योंकि इसमें होल है और ये हवा भी इसमें पास होती रहेगी, और जो है प्रोसेस हमारा अच्छे से स्टार्ट रहेगा इसके अंदर। तो इस तरह से आपको इसको कवर कर देना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी कंपोस्ट जो है रेडी हो रही है, और आप देख सकते हैं, ये देखिए, एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी जानकारी आपको मिल पाए और आप मेरी नई वीडियो देख पाएं।
तो देखिएगा दोस्तों, कुछ दिनों में हमारी बेहतरीन कंपोस्ट इत्र तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।